सीएसके ने 20 रन से जीता एल क्लासिको। मुंबई के कामना आया रोहित का शतक, पथिराना से 4 विकेट लेकर पलटा मैच। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के एल क्लासिको को चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 रन से जीत लिया। टीम ने मुंबई इंडियंस को उन्हीं के होम ग्राउंड पर हराया। एमआई से पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने शतक लगाया, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके। रोहित ने 63 बॉल पर नॉट आउट 105 रन बनाए। वानखेड़े स्टेडियम में रविवार को मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। चेन्नई ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 206 रन बनाए। मुंबई 6 विकेट के नुकसान पर 186 रन ही बना सकी। सीएसके ने मथीश पथिराना ने 4 अहम विकेट लिए। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। एमएस धोनी ने भी आखिरी 4 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर नॉट आउट 20 रन बनाए। पीएल में एमआई और सीएसके के बीच मैच को एल क्लासिको कहते हैं। दोनों टीमों के बीच ऐतिहासिक राइवलरी है। दोनों ने ही 5-5 खिताब जीते हैं। खास बात यह है कि 2010 में सीएसके ने अपना टाइटल एमआई को फाइनल में हराकर ही जीता था। वहीं एमआई ने अपने 5 में से 3 खिताब सीएसके को हराकर ही जीते हैं। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। सीएसके से रचिन रविंद्र के साथ अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करने उतरे, लेकिन रहाणे 5 ही रन बना सके। रेगुलर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर उतरे। उन्होंने इस पोजीशन को अपना बनाया और 50 लगा दी। गायकवाड़ 69 रन बनाकर आउट हुए। नंबर 4 पर उतरे शिवम दुबे ने भी 50 लगाई। उन्होंने कप्तान गायकवाड़ के साथ 90 रन की पार्टनरशिप की। उनके सामने डेरिल मिचेल 14 बॉल पर 17 रन ही बना सके। वह 20 में ओवर में आउट हुए और मिचेल के बाद एमएस धोनी बैटिंग करने आए। धोनी ने 4 ही गेंदों पर 3 छक्के लगाकर 20 रन बनाए और टीम का स्कोर 206 तक पहुंचा दिया। मुंबई ने कप्तान हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए। एक एक सफलता जोराल्ड कुटजी और श्रेयस गोपाल को भी मिली।